वो टक्कर का तो कोई पता ही नहीं है, गाड़ी वाला कैसे दिया है हमारी, वो तो कोई पता ही नहीं इस बात। अच्छा बताओ कहाँ पे चल रहा था काम? काम चल रहा था वहाँ ग्लेशियर होटल के सामने। ये कहाँ पर है? ये खरवासी आगे। कहाँ पड़ता है ये? ब्यावर के उल्ली तरफ। अच्छा क्या हुआ? हम तो चल रहे थे और हमारी मशीन नीचे घसीटती हुई हम चल रहे थे। काम चल रहा था रोड का, व्हाइट पट्टी का काम चल रहा था। कौन सी गाड़ी ने आके उसको टक्कर मारी है? वो तो पता ही नहीं चला कि किसने, वो ट्रक था वो। कितने घायल आए हैं? 7 बंदे। केमिकल उछल के आ गया? हाँ केमिकल उछल के आ गया। जल गए सब? सब जल गए। आप भी? मेरे भी हैं। ठीक है आपका नाम बताए? विश्राम है। एको के कई नाम है इसका पता नहीं सर मेरे को कौन कौन। ठीक है आपको नाम बताए? विश्राम सर। ये हाईवे पे जो पट्टी बनाता है ना वो था, वो टैंक फट गया टक्कर मारी और ऐसे करके ऐसे ही बता रहे थे हम। जी कितने लोगों को लेके आए? ब्यावर लेके गए 7 लोग। और चार यहाँ लाए हो? चार यहाँ रेपर लेके। कहाँ हुई थी घटना? किसी की? ये जो रिलायंस पंप है ना रानी सागर। अच्छा। वहाँ ब्यावर रोड? ब्यावर रोड। ठीक आपको नाम? सुरेंद्र सिंह। कहीं करो आप? एम्बुलेंस ड्राइवर। आज एक और एक्सीडेंट था जिसमें एक ट्रॉली में कुछ केमिकल्स रखे थे और उसमें कुछ कर्मचारी बैठे हुए थे, उसमें किसी ट्रक ने टक्कर मारी और वो केमिकल से वो बर्न हुए, तो उसमें से 7 इंजर्ड हमारे पास आए हैं, इसमें 4 हमारे बर्न वार्ड में भर्ती हैं, बाकी को आउटडोर के ट्रीटमेंट करके हमने भेजा है। वो चारों भी स्टेबल हैं अभी और उनका सबका ट्रीटमेंट चल रहा है।